बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन आटा गूंथते वक्त ये वजीफ़ा कर लें, कोई ऐसा वसीला बनाएं कि औलाद हमारी फरमानबरदार हो जाए और हमारी बात सुनने वाली बन जाए, और ऐसे अफराद जिनके घर में कोई बीमारी है इलाज करवाते हैं मगर उसके बावजूद भी वो जान नहीं छोड़ती। आप डॉक्टर्स को अपनी बीमारी बताते हैं और कहते हैं कि आप बहुत तंदुरुस्त हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से बीमारी होते जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आज हम एक ऐसा मुजरिब अमल लेकर आए हैं कि जिससे अल्लाह पाक आपकी गुर्बत और तंगदस्ती को ख़त्म करके आपके रिज़िक में इजाफ़ा फरमाएंगे और आपकी औलाद को आपका फरमानबरदार बनाएंगे और आपके घर में लड़ाई झगड़े परेशानियाँ और बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी और घर के तमाम अफराद में मोहब्बत पैदा होगी। सबसे पहले जब भी आप आटा गूंथते हैं तो गूंदने से पहले वुज़ू करें और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है, और उसके बाद आपने इन आसमाए मुबारक का विर्द जारी रखना है जब तक आटा गूंद ना ले। और आटा गूंदने के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के हाथों पर दम कर दें, और जब आटा गूंद के किसी बर्तन में रखे तो उस पर भी दम कर देना है। इंशाल्लाह आप जब फ्रिज से निकाल कर उसकी रोटी बनाएंगे तो जिस जिसके पेट में भी जाएगी उसका दिल नरम हो जाएगा और साथ में अंदर के जो तमाम बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सदका जारिया समझकर आगे शेयर कीजिए।